मजेदार किस्सा इन्होंने बताया है मुझे। हंसते हंसते बात करते करते बात हुई तो इन्होंने मुझे बोला है कि सर आपको दिल्ली विल्ली से हैदराबाद से कहाँ से कॉल आए। सर विषय ऐसा है कि मैं 4 महीने से आपके कांटेक्ट में हूँ, हाँ लेकिन 4 महीने से मैंने कॉल किया आपको, आपने एक भी कॉल नहीं किया। लेकिन जैसे यूट्यूब पे वगैरह वीडियो देख के, जैसे हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, और इंदौर में भी एक है सर, उनको मैंने कांटेक्ट किया कि सर मैं सिम लेना है, ऐसा करना है, तो उनके बहुत से कॉल आए मुझे, लेकिन इन सर का अभी तक एक भी कॉल नहीं आया। नहीं, आज एक कॉल आया बोला ना हाँ आपने। आज एक कॉल आया, तो कॉल ऐसा आया कि मैंने इनको सुबह में कॉल किया 6 बजे कि सर मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूँ, तो कॉल नहीं कॉल किया तो इन्होंने उठाया नहीं। फिर मैंने मैसेज डाला इनको व्हाट्सएप के ऊपर कि हाँ सर कॉल में, तभी इनका पहला कॉल मुझे आया। हाँ और मैंने क्या बोला आपको, कहाँ पे रहना चाहिए था आपको, इन्होंने बोला जैसे रात रात में को दो मैसेज डालते तो अच्छा रहता। हाँ हाँ रात में मैसेज डालना चाहिए था, मैं आपको लेने को आता, क्या बोला ले, मैंने। लेने को आता था, लेकिन मैंने इनको मैसेज भी डाला नहीं और कॉल भी किया नहीं। मैंने सोचा कि काय के लिए इनको तकलीफ देना, लेकिन इन्होंने जैसे सुबह कॉल किया और पूछा कि कहाँ पर मैं हूँ, तो मैंने बोला कि रेलवे स्टेशन पे, तो इन्होंने बोला कि लॉज के अंदर में रहना चाहिए था। पेमेंट, पेमेंट मैं कर देता था, पेमेंट का कोई टेंशन नहीं, लेकिन लॉज के अंदर हाँ में सो जाना चाहिए था क्योंकि ऐसा। अपना देश है ना, आज हम एक दूसरे से नहीं करेंगे एक दूसरे के लिए। मैं आऊँगा नहीं आऊँगा बात अलग है, उसके बाद में हमने साथ में नाश्ता किया, हाँ आज सर फिर स्टेट आपने बैंक के क्या किया, पास मैंने वो जहाँ मैं बोला वो छोड़ो मेरे साथ खा लो। खा लो बराबर है, हाँ ये तो भी सर को सब मैंने बोला कि हम नाश्ता कर चुके हैं, तो नहीं बोले चलो मेरे साथ में और नाश्ता करो। ठीक है ठीक है, ये छोटी मोटी बातें दोस्तों, लेकिन ये सब जरूरी है, इसके ऊपर से मालूम पड़ता है कि बंदा क्या है क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, नमस्ते, जयंत गोल्ड डिटेक्टर मुंबई। कस्टमर आए हमारे जलगांव से, जलगांव के पास कोई उनका तहसील है, वहाँ से आया है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ये क्या सोचता हूँ मैं अपने कस्टमर के बारे में, ये इस चर्चा में आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, ये अभी ये थोड़ा मेरे पास ये करेंगे, अभी आप पकड़ो थोड़ा, मैं वो एडिट कर। दोस्तों एक कस्टमर आए हैं जलगांव से, महाराष्ट्र के जलगांव से आए हैं, ये बंदा जो है बहुत कुछ सोच के मेरे पास आया है, तो मुझे भी इसके ऊपर खरा उतरना है। ठीक है ना, मैं एक्चुअल तो इसके लिए इसका वीडियो बना रहा हूँ कि सही में कुछ हम ऐसा काम करते हैं कि सारी वीडियो बना के, फेक वीडियो बना बना के अपना काम चल रहा है, ये आज आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, ये बंदे को मैंने लगभग 3 महीने पहले, अभी इन्होंने बोला मुझे तो याद नहीं रहता है, अब ये खुद बताएंगे आपको कि इनके साथ क्या क्या हुआ, अभी आने के बाद मैंने इनको क्या क्या पूछा है पहले, और सीरियसली मैंने बोला जो जो है क्लियर बताओ, ये मैंने इनको बोला है, तो ये आपको बताएंगे अभी, सब सारी बातें डिस्कस होगा। ठीक है, हाँ भाई साहब बोलिए, आपको 3 महीने पहले पहले जब आप आए अभी, तो मैंने आपको क्या क्या पूछा है। पहले ये पूछा कि आप क्या करते हो, सबसे पहले तो आपने बोला कि कहाँ से आए हो, क्या करते हो, कितना बजट है ये नहीं पूछा, नहीं बजट का नहीं विषय हुआ अभी तो। फैन थोड़ा कमी करो। हाँ फिर मैंने बोला कि मैं कंपनी में काम को जाता हूँ, कंपनी हाँ के अंदर में। इन्होंने मुझे क्या क्या बोला, इनके पिताजी को स्नेक बाइट हुआ था और वो ऑफ हुए बचपन में इनके, हाँ ये चीज़ें मेरे लिए बहुत मायने रखती है। ठीक है, बाकी डीलरों का तो मालूम नहीं, लेकिन मैं आपके हर चीज़, मतलब मेरा चीज़ जिसके घर में जा रहा है, वो बंदा क्या है कैसा है, उसका बजट क्या है, उसको कितना सक्सेस मिलेगा, तो ये जो चर्चा है पूरी, ये इसके बारे में होगी। ये बंदा 10वीं है और 10th है, और ये इनका मतलब ज़्यादा नहीं, 15,000 के आसपास इनका इनकम है, ओवर टाइम करके 12 घंटा ड्यूटी कर रहा है, तो वो पहला मेरे मुझे स्ट्रेस हो गया उसमें कि 12 घंटा ड्यूटी है। ठीक है सॉरी दोस्तों, तो अभी आप और क्या क्या, आपका आपकी फैमिली में कौन कौन है, क्या ये आपके भाई है क्या, हाँ चाचा के लड़के हैं, चाचा के लड़के हैं साथ में। ठीक है, आपका कुछ खेती वेती कुछ है, कुछ है कुछ कैसे, कुछ नहीं कुछ सर, भी नहीं, खेती वगैरह कुछ नहीं। बस बस यही सब है, सब कुछ यही है। आपने 3 महीने पहले मुझे कॉल किया था, आपने मुझे बोला। हाँ 3 से 4 महीने पहले कॉल किया था सर, फिर मेरे पास में पैसे कम थे, तो हाँ मैंने बोला सर कितने तक आएगा, तो आपने बोला कि आपका बजट अनुसार अलग अलग मशीन है, हाँ लेकिन फिर उसके बाद में तुमने पूछा कि आपके पास में पैसे कितने हैं, तो मैंने बोला सर 15,000 रुपये तक जमे, तो हाँ बोले अभी मशीन मत लो, जब आपके पास में पैसा आएंगे आप बजट से जो मशीन हो ना तभी आना, अब किससे ये मैंने क्यों बोला कि 15,000 है तो मत लो, देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि सस्ती छोटी मोटी मशीन लेके कुछ काम नहीं होता है, ये मेरा कहना है। ठीक है ना, होता है, लेकिन कहीं पे मतलब बड़ा आम का पेड़ पूरा लगा पड़ा है और आपने कहीं मार दिया और कुछ गिर गया, तुक्का, हमको तुक्के में नहीं खेलना है, तुक्के में जिसका बजट वाकई कम है उसके लिए तुक्के में ठीक है, लेकिन हमको प्रोफेशनली, भाई अभी इनसे जो बातें करूंगा जो ऑफ वीडियो के बाद में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो उनको सजेशन दूंगा वो इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इनको बोला था कि बजट थोड़ा अच्छा बनाओ ताकि मशीन अच्छी मिले, क्योंकि आप एक जगह सर। पे जब जाओगे वहां पे एक बार आपने फैसला कर लिया कि है या नहीं है, उसके बाद में वहां पे नहीं जाने वाले हो, तो छोटी मशीन लोगे तो वो इतना डेप्थ में जाएगी कि नहीं, वहां से शुरुआत है। और ये बंदा बहुत उम्मीद लेके सोच के बैठा है, 3-4 महीने से मेरे कॉन्टेक्ट में है, तो काम ऐसा हो कि जिसमें ताली बजे, जिसमें कुछ मजा आए।
बराबर ठीक है, और आगे क्या? अभी ये सर की उम्मीद से तो आई इधर में, और उम्मीद इसलिए कि मुझे कुछ तो भी लगा कि सर ने जैसे, नहीं तो दूसरे को रहते तो भाई जितना पैसा है उतना लेके आ जा और काम मतलब लेके चल जा मशीन, लेकिन तुमने बोला कि यहाँ पर आने से पहले पैसा कम है तो आमत और ब्याज से किससे मत निकाल। एक मिनट मेरा, हाँ तो बैच से भी नहीं लेना, मैंने आपको बोला था बैच से लेके हाँ मेरे पास नहीं आना है। ब्याज से पैसे निकाल के मेरे पास में नहीं आना, जब आपके पास में भविष्य में कभी पैसे आएंगे तब मेरे पास में आना, ऐसा आपने बोला था। दोस्तों ये सारी बातें हैं कस्टमर अपने मुंह से बोल रहा है ठीक है, और ये तो अभी जाने के बाद तो अपना खुद का कुछ छुट्टा है, तो आप मतलब कहीं पे कमेंट में भी आप देख सकते हो ये बात सच है कि नहीं है। तो ईमानदारी से धंधा करने के बाद जो सुकून मिलता है उसकी मजा और है, उसके बाद में कोई कस्टमर अपने को सक्सेस मिलने के बाद याद करके अपने को कुछ देता है, गिफ्ट देता है या फिर कुछ देता है सक्सेस मिलने के बाद, तो उससे बड़ा तोहफा क्या है ठीक है ना। मैं मशीन बेच के कितना कमा लूंगा, लेकिन उससे ज़्यादा तो कोई कस्टमर देता है। तो मेरी नेकी इस तरह से मुझे काम देती है, गलती मेरे से भी होती होगी, लेकिन मैं बहुत कोशिश करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा कुछ मोटो अलग है। मैंने जो लाइव किया था उसमें कुछ बातें बोली, उसमें सिम्टम छोटे छोटे छोड़ दिया मैंने। अभी एक लाइव किया था आप जाके देख सकते हो मेरे इस लाइव में, मैंने उसको शॉर्टकट में बोला, क्योंकि ज़्यादा डीपली बोलूंगा तो लोगों को समझेगा नहीं, क्योंकि इतना प्रपंच सब पड़ा हुआ है सामने, इन बातों में लोगों का ध्यान ही नहीं जाएगा। देखो हमारा संसार, हमारा काम और हमारा परमार्थ, ये तीनों चीज़ें हमारे सब होनी चाहिए। परमार्थ मतलब मैं कोई मतलब ऐसा कुछ बात नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेडिशनल ऐसा, मैं मेरा बोलने का मतलब है कि साइंटिफिकली हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, वो किस तरह से काम करना है इसको हमको समझना है, उसको टैकल करके उसको अच्छी आदत लगाने की कोशिश जो मैं कर रहा हूँ ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ ना कोई दूध का धुला है ठीक है, लेकिन मैं जो है सामने बोलता हूँ उससे लोड कम होता है। एक झूठ बोलूंगा तो उसको दबाने के लिए मुझे 50 झूठ उसको याद रखने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, जो सच है वो सच है, वो नेचुरल निकल गया। तो कोशिश कम करने की वजह से माइंड थोड़ा रिलैक्स रहता है, बातें जब करेंगे सब चीज़ें करेंगे तो ये रहता है ठीक है ना। अब थोड़ी नॉलेज की बातें अलग अलग कर रहा हूँ, और इसमें भी ये सक्सेस है। मैं ये जो कर रहा हूँ दोस्तों, मैं ये जो कर रहा हूँ, मेरा चेहरा ठीक से दिखता नहीं होगा, इसमें भी कुछ सक्सेस है। मतलब आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये करोगे तो अच्छा है, नहीं, इसमें सक्सेस है, आपको सक्सेस मिलेगी, जो भी सक्सेस मिलेगी उसमें आप परफेक्ट रहोगे, परफेक्ट जियोगे, आपके जो सगे संबंधी है बरोबर, सगे संबंधी है वो आपसे जुड़े रहेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे होगा सब कुछ, जो टूटा फटा है सब जुड़ने को टाइम लगता है ना। तो जहाँ से गलती मालूम पड़ा कि गलती है या फिर नहीं है, अब सुधरना चालू करो, तो वो है ये करो। तो ये बंदे को अभी मैं थोड़ा भटक गया था दूसरी जगह के लिए, तो अभी इनसे बात करनी है कि भाई कर्जा करके तो मशीन नहीं लाना चाहिए। मैं आज साफ साफ बोलता हूँ कि मशीन लिया तुरंत मिल गया ये ऐसा होता नहीं, अगर इतने हम तकदीर वाले होते ना तो किसी अमीर के घर में पैदा होते थे ठीक है ना। बराबर सर, हाँ तो ये सब चीज़ें सोच के अभी भी बोलता हूँ, कर्जा वर्जा होगा तो जितना आपका पैसा उसी बजट में आपको लेना है, कर्जा करके मशीन लोगे आप भर सकते हो, आपको मालूम है तो ठीक है। मतलब मैं कोई बड़ा 30 मार का नहीं हूँ कि नहीं कर्जा बराबर, करोगे तो, नहीं, ले सकते हो इससे उससे लेके काम कर सकते हो, लेकिन फोर्सफुली किसी का औरत का गहना रखा है ये रखा है, नहीं सर तो ऐसा सोना गिरवी बिल्कुल। रख के सोना मिलता है, इससे मुझे मतलब मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो सकता है ठीक है। होता भी होगा, लेकिन इतना कोशिश करने की जरूरत नहीं, कुछ कुदरत के ऊपर कुछ तकदीर के ऊपर भी छोड़ना पड़ेगा ना हमको। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना है, बहुत बहुत लोग, अभी मैं गाली नहीं दूंगा लेकिन लोग सब्सक्राइब कम कर रहे हैं ठीक है ना। सब बातें हैं, देखो मैं मशीन की तो बात बोलता हूँ, लेकिन उसके अलावा एक रिलेशन जुड़ता है, एक फैमिली जैसा होता है, ये बंदा मुझे हमेशा याद रखेगा। मैं कहीं अभी मैं जब गया था तो मुझे कितने लोग रास्ते में मिलने को आए थे, मैं अकोला बिकोला सब जगह गया था, शेगांव गया था, बेड़ गया था, तो लोग मुझे मेरे लिए वेटिंग पे किसी ने मैसेज डाला सर मिलने को आना है, सब करना है सब करना है, तो इससे रिलेशन सर उस बनता टाइम ना। जब आप उधर में थे सतारा सांगली, तब मैंने आपको कम से कम 4-5 कॉल करे और मैसेज भी डाला कि सर कब आ रहे कब आ रहे हैं। हाँ, देखो अभी ये मुझे याद नहीं। हाँ, और सर मतलब बात ऐसी सर, जिंदगी में काम करके तो सिर्फ हाँ पेट भरता है, लेकिन कुछ करने का है तो कुछ ऐसा कुछ अलग चीज करने के मन में इच्छा है सर, इसलिए यहाँ तक आए। चलेगा ठीक है। अभी हम अपना अगला काम देखते हैं, मशीन कौन सा लिया क्या लिया, अगला छोटा सा शॉर्ट बनाएंगे, बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, 7 मिनट 28 सेकंड का वीडियो हो चुका है ठीक है दोस्तों। अभी हम इनको बताएंगे इनका सेटिंग वेटिंग कैसा क्या है, क्योंकि इनको सही में कुछ समझ नहीं रहा ज़्यादा, तो अभी इनको मैं एक वीडियो बना के रखूंगा तो इनको समझ में आ जाएगा ठीक है। जलगांव के कस्टमर है हमारे ये, मैंने इसको मशीन को ऑन कर दिया, सिंप्लेक्स प्लस ऑन कर दी बराबर है ठीक है। बराबर, आपका वैसे भी हिंदी में बात करते घर पे ना। अब इसमें हमने क्या किया, देखो मैंने ये आवाज़ कर रही है, आवाज़ कर रही है, तो मैंने इनको तुरंत ये देखो आवाज़ कर रही है ना, ये देखो मैं ये आवाज़ यहाँ पे कर रही है। अब मैं इसको इस तरह से ही यहाँ पे जाके ऊपर आवाज़ बंद हो गई बराबर है बराबर है। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे पूरा नीचे स्टील है, इसके कारण वो आवाज़ कर रही है। आप ऐसे आना, यहाँ पे खड़े रहना आपको। अब जो बात हो गई, उसका पोल थोड़ा
ठीक है। अब ये जो सेटिंग का बटन है इसको एक और दो बार दबाने के बाद में 90 लिख के आ गया। इसके बाद में ई वाला बटन है ये जो, इसको हमने प्रेस करके रखा हुआ, इससे काला हो गया, देखो काला हो गया, एक दो तीन चार, ठीक है। अब ये उंगली निकाल लिया मैंने और मशीन को वैसे रखा है, देखो 2-3 इंच ऊपर रखा है जमीन से, ये ग्राउंड बैलेंस ये आपको समझ में आ गया, मशीन चालू हो गई। अब ये मशीन चिप चिप कर रही, अब उसको समझ आ रही है, अंदर प्रोसेसिंग चल रहा है पूरा, हो गई मशीन चालू, इसने उस ग्राउंड को समझ लिया। अब हम इसको कहीं भी घुमा सकते हैं, मैं क्या करूँगा सेंसिटिविटी कम करूंगा, मशीन बहुत सेंसिटिव है इसके कारण इस तरह से आवाज कर रही है, ठीक है। ये देखो आवाज कम हो गया अभी, मालूम पड़ा, तो उधर वहाँ पे ये मशीन को ज्यादा ताकत है, सेंसिटिव है इसलिए वैसा आवाज कर रही है। अब इसमें हम क्या करेंगे आपको मैं दिखाता हूँ, ये मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। अब ये इस तरह से घूमते घूमते जाएंगे, अभी देखो बहुत से लोगों का क्या होता है, इकड़े दाखो ना बराबर आड़वा खराब हो, आड़वा सर, हाँ अभी क्या होता है बहुत लोगों का, ये मशीन आवाज कर रहे, आवाज करे तो कैसे पहचानेगी, कैसे पहचानेगी, ठीक है ना। तो अभी देखो मैं जब मशीन घुमा रहा हूँ, जब उसके सामने कोई चीज आ रही है उस टाइम पे बाकी आवाज सब बंद होता है, जो जो आ रहा था, देखो ये आवाज आ रहा है वो बंद होता है, और मशीन उस आवाज को बूस्ट करती है बाकी आवाज बंद करके। तो जो लोगों का सोचना है, अभी मैं सेंसिटिविटी एकदम कम रखता हूँ क्योंकि बहुत सेंसिटिव मशीन है। तो इस तरह से जब आपका काम होता है, जब कुछ आता है सामने ऑब्जेक्ट, तो मशीन बराबर काम करती है। जो डाउट रहते हैं लोगों की, यार मशीन बहुत आवाज करे आवाज करे, तो ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है ना। अभी ये घर में है, ऑफिस में है, इसके लिए आवाज कर रही है, जैसे ओपन आउटडोर में जाएंगे, हाँ मैं गया ना मारा तुम्हें, और आउटडोर में जाएंगे वो आवाज नहीं करेगी, ठीक है। मशीन बेहतरीन है, वाटर प्रूफ है, फुल्ली फोल्डेबल रिचार्जेबल, बहुत सारी वीडियो है, बहुत सारी मशीनें ये बिकती है इंडिया में, इसके लिए हर वीडियो बना के रखने पर वो हर एक के काम में आता है, ठीक है ना। इसमें एक दूसरी बात ऐसी है कि हमको कभी भी जिसको नॉर्मल काम नहीं करना है, जिसको बड़े में ही काम करना है, देखो मैंने दो पे सेंसिटिव रखा, अब आपको कैसे काम करना है, हल्की वल्की चीज़ों को अवॉइड करके बड़ी चीज़ को ढूंढना है। अब देखो मैंने वापस मशीन इसके ऊपर लेता हूँ, हाँ अब ये जो दो ये खुदाई करने का जो दिख रहा है ना दो, हाँ ये अभी गया, तो ये जो दिख रहा है ये जब मैं यहाँ पे लाऊंगा, जब ये आवाज कर रहा है ये देखो, अब ये आवाज कर रहा है ना, अब प्रोसेस देखो कितना दिखा रहा है, नजदीक दिखा रहा है ना, वैसे ही कितना देखो, जैसे ऊपर आया वैसे और दूर से दिखा रहा है, तो ये जब आपको 2 से या 3 से ऊपर जब दिखेगा तो ये आपको खुदाई करनी, नहीं तो खुदाई भले चाहे कोई भी आवाज आ जाए, आपको खोदना है कोई सुनसान जगह पे है तो आप खोद सकते हो, लेकिन किसी घर के बाजू में गांव में बहुत मेटल ट्रैश बहुत पड़ा होता है ना, तो वहां पे ये चीज आपको तकलीफ नहीं देगी, नहीं तो लोग ले, अरे ये तो सब पकड़ता है ये गुटखा पाउच, ये मेटल डिटेक्टर है सर, अगर ऐसा कोई तोप का गोला होता तो हम ये बेचते नहीं बैठते, हम अपना काम कर लेते थे, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बाकी लोग बताएंगे नहीं गोल्ड गोल्ड डिटेक्टर सोना ऐसा कुछ नहीं होता, ये मेटल डिटेक्टर है। हम आपको अभी इनको मैं फोन बंद करने के वीडियो बंद करने के बाद भी कुछ टिप्स पहले भी दिया हूँ, अभी कुछ समझाऊंगा छोटा मोटा, जिससे आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये हमारा तजुर्बा हमसे मशीन लेने के बाद आपके काम में आता है, ठीक है। तो मशीन लेना है तो कॉल करना, सब्सक्राइब जरूर करना, इस तरह से ही काम करता है, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं, चार्जिंग इसका फुल रहता है, ठीक है ना। इन चीज़ों में अभी इसका कनेक्टर ये सिम बोलता है, हाँ तो ये कनेक्ट ये क्या बोल रहा है, ये कनेक्ट बराबर हो नहीं रहा है, ठीक है ना। ये देखो अभी कनेक्ट हो गया ना, वो पोल में पोल रहते हैं, वो मेल फीमेल ऐसा पोल में पोल रहते हैं ना, तो वो कनेक्ट नहीं होता होगा, तो इसको देखो अभी भी आगे जगह है, इसको फुल टाइट करेंगे तो हो जाता है वो, ठीक है। ये देखो फुल टाइट करेंगे हो गया, ये हो गया, वापस फुल टाइट करेंगे हो जाएगा, समझे, वो कोई दिक्कत वाला बात नहीं, वो पोल, हाँ बोलिए आप, आपको अच्छा लगा पूरा, इन्होंने सर मशीन ले लिया, आपने आपका मशीन ले लिया, सब कुछ ले लिया, बताओ। मशीन लिया लेकिन जो व्यवहार था, व्यवहार क्या है अलावा सर को मेरी परिस्थिति मालूम करने के बाद में सर ने मतलब मुझे कुछ था व्यवहार के अंदर में जो कुछ ज़्यादा था वो और कम करके दिया, ये और बाद में जब मशीन पैकिंग कर रहे थे तभी उस वक्त, हाँ मशीन पैक करते समय सब कुछ हो गया, पैसा डालना हो गया सब कुछ हो गया, लेकिन मशीन पैक करते समय सर ने एक सवाल मुझे पूछा कि आप रहते कहाँ पर में हो, तो मैंने बोला कि सर किराए के रूम में रहता हूँ, तो सर ने और नहीं बोले मेरे से पाप हो गया, बोले पाप तो बोलने का मतलब कि इन्होंने जो कुछ था मुझे और एक्स्ट्रा दे दिया, रिटर्न दिया कुछ, कि चलो भाई किराए मिराए के लिए, और जो अंदर से उन्होंने मुझे मदद करी और अंदर से जो बात बताई वो कुछ अलग है इतना व्यवहार के अलावा। तो इधर से मशीन लेने आएंगे तो उनको फायदा होगा, इधर से जो भी मशीन लेने आएगा उनको 101% फायदा होगा, होगा
ठीक है, वैसा काम है अपना। मैं भी बोलता हूँ, सीना ठोक के बोलता हूँ, और लोगों को आना है तो आ सकते हैं, ऑफिस में मंगा भी सकते हैं। कुछ वीडियो है, कुछ बातें हैं, वो जो हमारे तजुर्बे वो आपको बताई जाती है, और उससे आपको सक्सेस मिलता है। सब्सक्राइब करना, मशीन लेने के लिए कॉल करना, स्क्रीन पे हमारा नंबर है, और हमारा दिल्ली और मुंबई दोनों जगह पे ऑफिस है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से समझाया जाता। ये आए तब कॉन्फिडेंट नहीं थे, कुछ समझ नहीं रहा था, हाँ अब की बात बोलो, अब आपको पूरी आइडिया आ गई। आया उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि कैसा है, क्या है मशीन, क्या है, लेकिन इन्होंने जो समझाया अभी ऐसा पूरा आइडिया आ गया है कि मशीन कैसे चलाते हैं, क्या है इसके, इसमें सक्सेस के रास्ते कौन से हैं और क्या क्या करना चाहिए सक्सेस के लिए। ये बंदे को इंग्लिश टाइपिंग नहीं आता है, ये दसवीं नहीं पढ़े, कितना पढ़े हो, टेन टेंथ दसवीं पढ़े, तक, दसवीं तक हाँ पढ़े हो, इनको कुछ नहीं आ रहा था भाई, इनको सब समझाया। अब ये भाई घर तक पहुंचते तक मेरे को टेंशन रहेगा, क्योंकि इनको ट्रेन पकड़ के जाना है। अभी ट्रेन से उतरे बोलते उसी टिकट से हम चले जाएंगे, चलेगा क्या, मतलब थाना से टिकट है इनका, और बोलेंगे इधर से जो मिलेगी उस गाड़ी में बैठ के जाएंगे, तो इतना भी बंदे को नहीं मालूम है। तो सोच समझ के आना है, नहीं तो घर बैठे मशीन ही मिलती। आज की तारीख में सब ऑनलाइन सब चलता है, कैश ऑन डिलीवरी अपने पास अवेलेबल है, तो रिस्क ना ले। धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना।